दोस्तों आज की वीडियो क्या है, आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है आपको इन डीसी मोटर्स के बारे में बताने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास तीन मोटर्स जो है वो मौजूद है। तो और ये जो है इनके आगे पुली लगी हुई है जिससे आगे आप जो है अपनी मोटर की बेल्ट लगा सकते हैं। अब इस मोटर की बात कर लेते पहले इसके फीचर्स की। तो ये जो मोटर है इसे 12 वोल्ट पे चलती है, ये देख सकते हैं आप, इसकी दो वायर से। 24 वोल्ट की मोटर नहीं है, इसे 12 वोल्ट पे चलती है और ये सिर्फ और सिर्फ 5 एम्पेयर्स कंज्यूम करती है जब हम इसको चलाते हैं। और इसका लाइफ प्रूफ भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो यहाँ पर है मेरे पास एक 12 वोल्ट की बैटरी जिससे हम जो है इस मोटर को चला के चेक करेंगे। और हाँ, इस मोटर को हम जब चलाएंगे तो ये भी चेक मैं आपको कराऊंगा कि ये सिर्फ 5 एम्पेयर लेती है। जी हाँ, सिर्फ 5 एम्पेयर। तो चलिए बिना देर किए हुए क्या कहते हैं अपनी मोटर को टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरी मोटर जो है वो चलनी स्टार्ट हो गई है और आपको इसकी आवाज़ से भी इसकी स्पीड का अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो मैंने इसके साथ बैटरी के साथ लगाई हुई है और ये 12 वोल्ट की बैटरी है और इसकी स्पीड आप देख के अंदाज़ा कर सकते हैं इसकी मोटर की स्पीड कितनी ज़्यादा है। तो अब जो है मैं आपको एम्पेयर चेक करवाता हूँ ये मोटर कितने एम्पेयर ले रही है चलते वक्त। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारी मोटर जो है वो चल रही है और मैंने इसके साथ एम्पेयर मीटर अटैच कर दिया। मैं अब आपको इसके एम्पेयर्स दिखाता हूँ कि ये मोटर जो है 11.7 वोल्ट ले रही है और सिर्फ 2.7 एम्पेयर्स देख रही है। जी हाँ, बिल्कुल 2.7 एम्पेयर्स ये मोटर ले रही है और अभी जो है ये मोटर वर्किंग कंडीशन में, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो जी हाँ, ये सिर्फ 2.7 एम्पेयर्स ले रही है। तो आप लोगों ने देखा कि जब हमने इस मोटर को चलाया तो ये सिर्फ जो है वो 2.7 एम्पेयर्स ले रही थी हमारे। तो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर जब हम इसके ऊपर लोड डालेंगे तो बहुत से बार इसके एम्पेयर्स डबल हो जाएंगे। अगर अभी इसने 2.5 एम्पेयर्स ले रही है तो तब ये 5 एम्पेयर्स लेगी, यानी कि रनिंग के ऊपर भी ऐसे 5 एम्पेयर्स का लोड लेगी। और अब जो है मैं आपको मोटर की फिटिंग करता हूँ एक पंप के अंदर और फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि कैसे काम करती है पानी खींचने का। और अगर कोई इस मोटर को बाय करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में उसका मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वो वहाँ से बाय कर सकता है। और आपको स्क्रीन पे भी नंबर नज़र आ चुका होगा स्क्रीन पे, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। और अगर किसी को इसके ज़्यादा पीस भी चाहिए, 10, 12, 15, 20, 25, तो वो भी अवेलेबल है। तो चलिए आप मोटर को टेस्ट करके देख लेते हैं। जी तो दोस्तों यहाँ पर मैंने मोटर की फिटिंग पहले से कर ली है और अब जो है यहाँ पर मैं आपको मोटर चला के दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मोटर के कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वही मोटर सिर्फ कलर हुए हुआ है। और यहाँ पर आप मोटर का प्रेशर देख सकते हैं कितनी स्पीड से जो है इसका टायर भी चल रहा है और पानी भी कितनी ज़्यादा प्रेशर से इसके अंदर आ रहा है। तो दोस्तों इसके अंदर जो है आप क्या कहते हैं अपनी पानी की जो लाइन, आपके घर में जो मीठा पानी आता है तो वहाँ से क्या कहते हैं आप इससे जो है वो पानी खींच सकते हैं और अपने टैंक वगैरह को भर सकते हैं। तो इस स्पीड की मोटर भी काफ़ी अच्छी है और इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये सिर्फ जो है 5 से 6 एम्पीयर लेती है चलते वक्त। दोस्तों सिर्फ इस मोटर के एक ही फ़ायदा नहीं है, इसके बहुत से फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि क्या कहते हैं आप जो है अगर आपके यहाँ लोड शेडिंग होती है तो आप इसको सोलर से भी चला सकते हैं। सोलर नहीं है तो आप बैटरी से भी चला सकते हैं, बैटरी नहीं है तो आप UPS पे भी चला सकते हैं, और अगर UPS भी नहीं है तो आप इसको जनरेटर पर भी चला सकते हैं। और अगर क्या कहते हैं आप अपने घर के में बिजली की बचत करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत कारआमद है, क्योंकि हमारे घर में जो 1 HP की मोटर लगी हुई होती है वो आपके 1000 वाट ले जाती है। अगर आप उसको 1 घंटा चलाएंगे तो 1 यूनिट गिर जाएगा। हर घर में कम से कम भी रोज़ 3 घंटे तो मोटर चलती ही है, तो 3 घंटे के हिसाब से 3 यूनिट हो गए आपके और महीना 30 दिन होते हैं, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दें तो 90 यूनिट जो है ये मोटर हमारी ले जाती है। लेकिन अगर आप इसी की जगह इस 12 वोल्ट की डीसी मोटर को लगा लेते हैं और पावर सप्लाई के साथ इसको चलाते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ 200 वाट लेगी। जब आप इसको 2 दिन तक चलाएंगे टोटल 6 घंटा, तब जाके आपके 2 यूनिट गिरेंगे, यानी कि महीने के सिर्फ और सिर्फ 15 यूनिट। तो यहाँ पर जो है आप लोग मोटर देख सकते हैं, ये मोटर फिट हुई भी और हमने इसको जो है 50 एम्पीयर की बैटरी के साथ चलाया है और इसकी स्पीड आप लोग देख सकते हैं कि इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। और अब जो है मैं क्या कहते हैं आपको इसका पानी का फ़्लो चेक कराऊंगा, जो इसका पानी का फ़्लो जो है वो कैसा है। तो आप लोग देख सकते हैं इसकी पानी की स्पीड भी बहुत ज़्यादा
अच्छी है और काफ़ी तेज़ी से जो है हमारी टंकी को भरने में काम आती है ये मोटर। प्रेशर आप लोग देख सकते हैं। आशी पूरी वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और कोई बाय करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर उसको मिल जाएगा, तो वहाँ से वो कॉन्टेक्ट करके मुझसे बाय कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।